أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जो कि डायपोल फोर्सेस है, कि डायपोल फोर्सेस कौन से हैं और उसके प्रॉपर्टीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल आर नोन एज डायपोल फोर्सेस. वो अट्रैक्टिव फोर्सेज जो कि मौजूद होता है पॉजिटिव एक पोलर मॉलिक्यूल की पॉजिटिव एंड और दूसरे नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल की नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम कहते हैं डायपोल फोर्सेस. क्या डाई उस मतलब डाई मतलब टू पोल मीन मतलब टू पोलैरिटी, एक होता है नेगेटिव पोलैरिटी और एक होता है पॉजिटिव पोलैरिटी. दैट्स व्हाई टू पोलैरिटी और मतलब टू पोलैरिटी के दरमियान एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एंड पोलैरिटी मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो इसी को हम कहते हैं डायपोल फोर्सेस. देन हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायपोल फोर्सेस. डायपोल फोर्सेस के द फोर्सेस आर फाउंड इन ऑल पोलर मॉलिक्यूल. दीज फोर्सेस ये जो फोर्सेस हैं डायपोल फोर्सेस ये मतलब जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं उसमें मौजूद होता है फाउंड होता मतलब मौजूद होता है ऑल पोलर मॉलिक्यूल में. जितने भी पोलर मींस पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं. सेकंड पे हैं दीज फोर्सेस एग्जिस्ट इन लिक्विड. ये जो फोर्सेस होते हैं मतलब डायपोल फोर्सेस होते हैं ये किस चीज़ में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं. थर्ड पे जो पॉइंट है दीज फोर्सेस अबाउट 1% इन स्ट्रेंथ टू दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. मतलब ये 1% ज़्यादा मजबूत होते हैं एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड. फोर्थ पे जो प्रॉपर्टीज है डायपोल फोर्सेस की वो हैं द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फोर्सेस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल. ज़ाहरी सी बात है डायपोल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है मजबूती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है. मतलब टू एटम टू मॉलिक्यूल के दरमियान अगर डिस्टेंस कम है तो डायपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगे और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हैं तो डायपोल फोर्सेस जो के होते हैं वो वीक होंगे. फाइव जो कि फिफ्थ पॉइंट हैं प्रॉपर्टीज हैं डायपोल फोर्सेस की स्ट्रांगर द डायपोल फोर्सेस. जब डायपोल फोर्सेस स्ट्रांग होंगे मतलब डिस्टेंस कम होंगी हायर विल बी मेल्टिंग पॉइंट, तो जाहिर सी बात है वो हार्ड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, बॉयलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा होंगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगी और हीट ऑफ फ्यूजन जो कि ज़्यादा होगी. तो ये थी उसकी फाइव बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायपोल फोर्सेस. सबसे पहले हमने आज डिस्कस किया कि डायपोल फोर्सेस क्या हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डायपोल फोर्सेस के, एक एक हमने एक्सप्लेन किया.